अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 14 के तीन क्वेश्चंस जो थे वो हम हल कर चुके। इसके आई थिंक 10 या 11 12 तक जो है वो पार्ट्स हैं, तो हम इसको इंशाल्लाह इन्हीं वीडियोस में कवर करते हैं। आज हमारा जो क्वेश्चन नंबर 14 का क्वेश्चन है वो है हमारे पास अर्थनवेयर वेसल्स कीप्स वाटर कूल, के जो मिट्टी के बर्तन हैं वो पानी को ठंडा रखते हैं। कैसे ठंडा रखते हैं, क्वेश्चन को समझे। अर्थनवेयर वेसल्स कीप्स वाटर कूल, जो मिट्टी के बने हुए बर्तन हैं जैसे घड़ा वगैरह हो गया, वो जो पानी को ठंडा कैसे रखते हैं, ये सवाल है उसका। मैं इसको पहले आपको डिटेल में बता दूं। इधर गौर करें आप लोग के अगर हम ये कहें कि हमारे पास एक इस किस्म का मिट्टी का बर्तन है, अगर हम कहें ये एक अर्थनवेयर वेसल्स है, मिट्टी का बना हुआ बर्तन है, इसमें वाटर मौजूद है, इसमें आप लोगों ने क्या फील किया हुआ है, पानी। अब सवाल के मुताबिक ये पूछा गया है कि ये वजह बताएं कि इसमें मौजूद ये जो वाटर है ये ठंडा कैसे रहता है। अब इसकी वजाहत क्या है, ये जो अर्थनवेयर वेसल्स है इसकी सतह में छोटे छोटे मसाम होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, बारीक बारीक सुराख होते हैं। यहां पर क्या होते हैं, बारीक बारीक, मैं ऐसे हल्का सा सिर्फ हिंट दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैं बताना क्या चाह रहा हूं। हम ये कहेंगे कि जो अर्थनवेयर वेसल्स हैं इनमें इनसाइड क्या मौजूद होते हैं, इनमें इनसाइड मौजूद होते हैं पोर्स। मतलब इनकी जो सतह है, जो शेप है वो मसामदार है, नजर तो बजाहिर नहीं आ रही है लेकिन ये मसामदार होते हैं। अक्सर आप घड़ा देखें ना तो आपको नजर आता है कि उसकी जो बाहर वाली सतह है वो बिल्कुल उस पर पानी नजर आ रहा होता है हमें, उसकी यही वजह है कि उसमें से वाटर इवेपोरेट हो रहा होता है। अब इसमें क्या है, पोर्स हैं। अब इसमें जो पानी के हाई एनर्जी के मॉलिक्यूल हैं वो इन पोर्स में से बाहर आ जाते हैं। ये वो पानी के मॉलिक्यूल बाहर आ रहे हैं जिनकी एनर्जी क्या है, ज्यादा है, मतलब वो इवेपोरेट हो जाएंगे। जब वो मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो जाएंगे तो पीछे वो मॉलिक्यूल बचेंगे वाटर के जिनकी एनर्जी कम होगी, तो इसकी वजह से क्या पैदा हो जाती है, ठंडक पैदा हो जाती है। तो आपने क्या कहना है कि जो अर्थनवेयर वेसल्स हैं उनके जो बनावट है या जो उनकी जो शेप है उसमें मसाम है, वो बजाहिर नजर नहीं आते हैं। जो ज्यादा एनर्जी के पानी के मॉलिक्यूल हैं वो इन पोर्स में से चले जाते हैं जिसकी वजह से ठंडक पैदा हो जाती है। तो आप क्या लिखेंगे आंसर में, आप बताएंगे अर्थनवेयर वेसल्स हैव पोर्स इन देम, इनमें जो है वो पोर्स होते हैं, बारीक बारीक सुराख होते हैं। हाई एनर्जी, ज्यादा एनर्जी वाले वाटर मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट्स थ्रू दीज पोर्स। जो ज्यादा एनर्जी वाले पानी के मॉलिक्यूल हैं वो इन पोर्स में से निकल जाते हैं, इन बारीक सुराखों में से निकल जाते हैं। एंड लो एनर्जी वाटर मॉलिक्यूल्स लेफ्ट बिहाइंड, और वो पानी के मॉलिक्यूल पीछे बच जाते हैं जिनकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है। हेंस टेम्परेचर ऑफ वॉट रिमेनिंग वाटर, टेम्परेचर ऑफ रिमेनिंग वाटर, अब जो
पानी पीछे बच गया है उसका जो टेम्परेचर है, हेंस टेम्परेचर ऑफ रिमेनिंग वाटर डिक्रीजेस, बकिया पानी का टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, विच काजेज कूलिंग, जिसकी वजह से क्या पैदा हो जाती है, ठंडक पैदा हो जाती है और रिमेनिंग वाटर ठंडा रहता है। देखिए बड़ा आसान करके मैंने क्लियर किया है कि अर्थनवेयर वेसल्स पानी को ठंडा कैसे रखते हैं। हमने कहा अर्थनवेयर वेसल्स हैव अ पोर्स इन देम, इनमें सुराख होते हैं, इनमें बारीक बारीक पोर्स होते हैं, उन पोर्स में से हाई एनर्जी वाटर मॉलिक्यूल इवेपोरेट्स, जिन में से ज्यादा एनर्जी वाले वाटर के मॉलिक्यूल क्या हैं, इवेपोरेट्स हो जाते हैं, एंड लो एनर्जी वाटर मॉलिक्यूल लेफ्ट बिहाइंड, पीछे वो पानी के मॉलिक्यूल बचते हैं जिनकी एनर्जी कम होती है, जिसकी वजह से कूलिंग पैदा हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।